नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube के चैनल एनक्लेक्स बेस्ड नर्सिंग पर। आज का हमारा टॉपिक है, साइकेट्री का टॉपिक है, जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिलीरियम। डिलीरियम एक हमारा ऑर्गेनिक मेंटल सिंड्रोम होता है। ऑर्गेनिक मेंटल से हम मान सकते हैं कि मेंटल हमारा क्या है, कि ब्रेन से रिलेटेड क्या है, कोई सिंड्रोम है, तो हम उसके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या है कि ये क्या होता है, एक हमारा एक्यूट रिवर्सिबल। री से मतलब होता है कि कोई भी जो डिजीज़ है वो दोबारा से हो सकती है। रिवर्सिबल स्टेट ऑफ डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन एंड क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो वापस से हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट्स कंफ्यूज रहता है और उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है उसके अंदर क्या होता है, क्लाउडिंग्स हो जाती हैं। और डिलीरियम जो होता है ये एक हमारा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक मेंटल सिंड्रोम भी है। अब हम कॉजेज की बात करते हैं। जैसे कुछ एक कॉजेज होते हैं जो डिलीरियम को अफेक्ट करते हैं। अगर हमसे पूछें कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डिलीरियम का, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो ड्रग एंड एल्कोहल का विड्रॉवल होता है। नेक्स्ट कॉज होता है जनरल मेडिकल कंडीशंस लाइक हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का लेवल के अंदर कम होना, ग्लाइसीमिया से मतलब होता है हमारा शुगर का लेवल। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड में जो शुगर का जो लेवल होता है वो हमारा इसमें क्या होता है 70 mg/dL से भी क्या होता है, कम हो जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर 70 mg/dL से भी कम हो जाएगा ब्लड में ग्लूकोज लेवल, तो हम उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, हाइपोक्सिया कहलाता है। हिपेटिक डिजीज़। हिपेटिक से मतलब होता है हिपेट। हिपेट का मतलब होता है हमारा लीवर से, मतलब इसमें के कोई लीवर की कोई डिजीज़ है तो वो भी क्या होती है, हमारे डिलीरियम का कारण बन सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, रीनल की कोई डिजीज़ हो सकती है, या इलेक्ट्रोलाइट का एंड एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम्स हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पेशेंट्स को डिजीज़ जो होती है वो हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर हमारा, अगर किसी पेशेंट्स ने जैसे कोई ड्रग है, अगर जैसे हम ड्रग को नॉर्मली लेवल में यूज़ करते हैं तो वो पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव रहती है। यदि हम ड्रग का ओवरडोज यूज़ कर रहे हैं तो ओवरडोज यूज़ करने से ड्रग को क्या होता है कि वो पेशेंट्स के लिए हार्मफुल रहती है। जैसे हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, जैसे हमारी ड्रग है एंजियोलाइटिक ड्रग। एंजियोलाइटिक ड्रग्स के अंदर क्या होता है कि जैसे पेशेंट्स हैं, एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती हैं जो एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं। हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो सकती हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को दी जाती हैं। नेक्स्ट होती है हमारी एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, सॉरी यहाँ पर एंटी ऐड कर लेना, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे क्या होते हैं, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन। सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन से मतलब होता है कि पेशेंट्स जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे अल्कोहल का, तंबाकूस का बहुत ज़्यादा, जैसे स्मोकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, सिंड्रोम्स जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिक कॉजेज। मेटाबॉलिक कॉजेज में जैसे हमने पहले बात करी है, जैसे फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस होना, हाइपोग्लाइसीमिया होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारा आता है एंडोक्राइन कॉजेज। एंडोक्राइन कॉजेज से मतलब है कि जैसे इसमें हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मीन होता है किसी चीज़ का लेवल से ज़्यादा होना। सीक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब इसमें क्या होता है कि जो एंडोक्राइन कॉजेज होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई या थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये क्या होती है, कम या ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, सीक्रेशन करती है। देखो अगर हमारी बॉडी में कम मात्रा में किसी हार्मोन का सीक्रेशन होगा तो वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और यदि ज़्यादा होगा तो वो भी हार्मफुल है। इसीलिए वो एक्यूरेट मात्रा में होगा तभी वो हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा या फिर यूज़फुल होगा। नेक्स्ट हमारी जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो जैसे थायमिन की डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी डिलीरियम उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राक्रेनियल कॉजेज। इंट्राक्रेनियल कॉजेज का मतलब होता है जैसे इसमें कॉजेज की हम बात करते हैं, जैसे ट्रॉमा हो गया, हेड की कोई इंजरी हो गई, एपिलेप्सी है कोई, मेनिनजाइटिस। जाइटिस का मतलब होता है कि हमारा वहाँ पे क्या होना, इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन क्या होता है कि जो हमारी जो मेनिनजाइटिस होती है, जो मेनिनजिस होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसके अंदर, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस हो गया, स्ट्रोक हो गया एंड
ट्यूमर, इन सब कारणों की वजह से क्या होता है कि पेशेंट्स के अंदर डिलीरियम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर हमारा साइन एंड सिम्टम्स। कुछ पेशेंट्स के अंदर साइन सिम्टम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से हम डिलीरियम होता है पेशेंट्स को। जैसे सबसे पहले इसके अंदर आता है इम्पेयरमेंट ऑफ हमारा कॉन्शियसनेस। इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस से मतलब होता है कि जो पेशेंट्स है वो कॉन्शियस नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक है, अटेंशन भी नहीं रहता, मतलब वो अपने काम की तरफ पूरी तरह से ध्यान भी नहीं दे पाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसे इल्यूजन और हेलोजिनेशंस वाले पेशेंट्स में भी हो सकता है। इल्यूजन में क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है, पेशेंट्स को रोंग परसेप्शंस होता है। रोंग परसेप्शंस में होता है कोई भी स्टिमुलस है उसका रोंग परसेप्शन होगा, मतलब वहाँ पे स्टिमुलस तो है बट लेकिन उसका क्या है, रोंग परसेप्शन हो जाएगा। जैसे अंधेरे में वो रस्सी को सांप समझ लेगा, ठीक है। हेलुसिनेशंस में क्या होता है, परसेप्शंस विदाउट स्टिमुलाई होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु नहीं होती है पर क्लाइंट को या पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ पड़ा है। जैसे अंधेरे में क्या है कि वो मतलब सांप दिखेगा उसको, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे वस्तु कुछ भी नहीं होती पर वो मान लेता है कि ऐसा है। नेक्स्ट इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है इससे, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगी उसकी, फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़ हो जाएंगे उसकी, मेमोरी रिसेंट हो जाएगी उसकी, और वो क्या करता है डिसओरिएंटेशंस भी हो जाता है उसको टाइम का, पर्सन का एंड प्लेस का। मतलब वो क्या करता है, पेशेंट जो होता है उसको इन सब चीज़ों का क्या होता है, डिसओरिएंटेशंस भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, उसकी रीजनिंग का और जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से मतलब क्या होता है कि जो उसने कुछ भी गोल बनाया है उसके वो भी क्या होते हैं कि उनका लेवल भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब वो उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, प्रॉपरली जितना उसने सोचा होता है वो उन सब कामों को भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की हमें मतलब पेशेंट्स को हमें पहचानना है कि वो पेशेंट्स हमारा जो है उसको हमें कैसे पता करना है कि उसको क्या बीमारी है क्या नहीं है, तो उसके लिए हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करते हैं। सबसे पहले हम उसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन जैसे हम उसकी फैमिली वालों से लेते हैं, डाटास कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव डाटास वगैरह, ऑब्जेक्टिव डाटास कलेक्ट करते हैं कि पेशेंट्स को कितने टाइम से प्रॉब्लम है, उसका बिहेव कैसा है और वो कैसा मतलब इन्वायरमेंट में रहता है, सब चीज़ हम उसका आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट हम उसके मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करना है हमें उसका, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, लास्ट में हम उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चल जाएगा उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको किस चीज़ की क्या प्रॉब्लम है, वो सब हमें से कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं डिलीरियम के। डिलीरियम का मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे नॉर्मली हमें क्या करना है, पहले उसके जो वाइटल साइंस होते हैं जैसे अपना TPR एंड BP। TPR से मतलब टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। इन सबको हम क्या करें, असेस करना है पेशेंट्स में कहीं ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, ये सब हमें असेस करना है। नेक्स्ट हमें उस पेशेंट्स के अंदर हमें क्या करना है, एंजाइटी का जो लेवल होता है उसको भी चेक करना है कि मतलब पेशेंट कहीं ज़्यादा एनोजस तो नहीं है, उसको ज़्यादा कोई एंजाइटी तो नहीं है, तो हमें उसको एंजाइटी को कम करने के लिए हमें पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, साइकोलॉजी का सपोर्ट देते हैं उस पेशेंट्स को, हम उसके डिजीज से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं हमें उसको हमें क्लियर कर देना चाहिए। जब हम उसके डाउट्स वगैरह को क्लियर कर देंगे तो उसमें क्या है, पेशेंट में किसी भी टाइप का क्या होता है, फियर नहीं रहेगा। जब पेशेंट में फियर ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, अपनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह उसको वो शेयर करेगा तुम्हारे साथ में, और आपके साथ में क्या है कि वो एंजाइटीज वगैरह की सारी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट उसको एंजाइटी वगैरह उसमें कम हो तो उसके लिए हम पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको हम टीच करते हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के लिए ताकि वो रिलैक्स हो सके। स्टे करते हैं काम एंड रीअश्योर करते हैं पेशेंट्स को। हम उस पेशेंट्स को क्या करते हैं, समझाते हैं कि ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, पहले की तरह वो हो जाएंगे पेशेंट्स, सब कुछ हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि उस पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं हमारे पेशेंट जो है उसको हम काम, जो पेशेंट्स होता है उसको एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देना है। एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट का मतलब है कि जिसमें पेशेंट सूटेबल रह सके, कंफर्टेबल रह सके, उसे किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस नहीं होए, टेंशन नहीं हो, एंजाइटी नहीं रहे, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। पेशेंट्स को जो है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, मतलब उसके आसपास में हमें देखना है कि कोई मतलब इंजरी करने वाला कोई भी ऐसा सामान नहीं हो जिससे पेशेंट खुद को इंजरी पहुंचा सके, लाइक जैसे चाकू वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई तीखी निडल वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स का तो खुद को इंजरी पहुंचा सकता है, उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए।
ऑब्जर्व करना चाहिए, यहाँ पे आर नहीं आएगा सॉरी, ऑब्जर्व करना चाहिए उसके सुसाइड प्रिकॉशंस को, मतलब कि वो सुसाइड वगैरह तो नहीं कर सकता है, उसको भी हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड करना है हमें थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट। थेराप्यूटिक से मतलब होता है हमें चिकित्सीय इन्वायरमेंट, मतलब क्या है कि जो हमारा हॉस्पिटल लाइक जो इन्वायरमेंट होता है ना, हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए उसको। जैसे लाइक उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड एडिक्वेट लाइट। मतलब एडिक्वेट लाइट का मतलब क्या है कि उसका जो रूम होता है ना पेशेंट्स का, उस रूम में क्या होता है कि प्रॉपरली लाइट होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना तीखी होना चाहिए। अगर ज़्यादा शार्प होगी तो पेशेंट्स की आईज़ को इफेक्टेड करेगी और वो क्या होगा, इरीटेट होगा पेशेंट। तो इसीलिए क्या है कि वो ना ज़्यादा कम होनी चाहिए लाइट, ना ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट उस पेशेंट्स के पास में क्या, ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए। ओरिएंटिंग द पेशेंट टू टाइम प्लेस एंड सेल्फ, जो पेशेंट्स होता है उसको खुद से और जो जगह है उससे और जो टाइम है उससे, उसको टाइम टाइम पे क्या है ओरिएंटेशंस करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमें उसकी जो फैमिली मेम्बर, टीच फैमिली मेम्बर अबाउट डिलीरियम। जो हमारा जो पेशेंट्स होते हैं उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको टीच करते हैं हम डिलीरियम के लिए। जैसे उसको हम प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट साइन एंड सिम्टम एंड कॉजेज ऑफ डिलीरियम। मतलब कहने का मतलब है कि पेशेंट्स की जो फैमिली है उसको हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं डिलीरियम के कॉजेज के लिए, साइन एंड सिम्टम्स के लिए, कि मतलब ये साइन सिम्टम होंगे तो पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है, डिलीरियम है। फैमिली मेम्बर्स को हम ये बोलते हैं कि वो रेगुलर पेशेंट्स के साइन सिम्टम्स को असेस करें, ताकि अगर उनमें कोई भी बदलाव हो रहा है, या तो साइन सिम्टम जैसे कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, जो भी है, जिससे कहे कि हमको उसकी कंडीशंस के बारे में पता चलेगा, तो हम उसको कहे कि अच्छे से केयर जो होगी वो प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।